हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस, माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ प्लांट्स और प्लांटर्स की शॉपिंग करी है, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला प्लांट मैंने लिया है, इस बार मैंने क्रॉटन ही अपने गार्डन में ज़्यादा ऐड करे हैं। मेरे पास क्रॉटन का स्टॉक कुछ कम हो गया था, तो मैंने अब क्रॉटन के प्लांट्स ज़्यादा लिए हैं इस बार। और ये टाइम ही है हमारा कि हम हमारे गार्डन में भी इस टाइम पे परमानेंट प्लांट ही ज्यादा ऐड कर सकते हैं। सीजनल एज सच कुछ प्लांट्स हमारे गार्डन में भी इस टाइम पे नर्सरीज में मिलते नहीं हैं, तो मैंने सारे ही जो प्लांट्स लिए हैं सारे ही परमानेंट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये क्रॉटन का प्लांट खरीदा है। इसकी ऐसी बारीक बारीक लीव्स, पतली पतली, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये। तो ये प्लांट मुझे पड़ा है 40 रुपीज का, और देख सकते हैं आप इसमें 4 ब्रांचेज हैं, तो बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट ये है। 40 रुपीज का ये मुझे पड़ा है। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट क्रॉटन की वेरायटी ली है वो ये है। इसमें हालांकि सिंगल स्टेम है, लेकिन अच्छा, काफी बहुत ही हेल्दी सा ये प्लांट है। और ये उन्होंने मुझे कुछ 60 रुपीज बोल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे 45 में ये वाला प्लांट लगा दिया था। तो ये नेक्स्ट परचेज मेरी है। इसके बाद मैंने एक और क्रॉटन लिया है, ये देखिए, ये भी कितना हेल्दी क्रॉटन है, और ये उन्होंने मुझे 60 रुपीज का दिया था। और ये सारे ही प्लांट्स मैंने अलग अलग खरीदे हैं, एक दिन नहीं खरीदे। मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, हमारे यहाँ पे जो बाजार लगता है वीकली मार्केट, तो उसी में ये पौधे वाले भैया खड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी शॉपिंग मैंने ये एक साथ खरीदी है। तो ये अभी, लेकिन मैंने चूंकि रिपोर्ट नहीं करे, एक एक दो दो करके अलग अलग भैया से मैंने ये प्लांट्स लिए हैं, पर लिए सारे ही मैंने वो वीकली मार्केट से ही हैं ये सारे प्लांट्स। तो ये वाला प्लांट जो है ये उन्होंने मुझे 60 रुपीज का लगाया था। और इसमें आप देख सकते हैं 3-4 ब्रांचे होता है। कभी कभी वो भैया लोगों की सेल अच्छी नहीं होती है तो कम रेट में भी प्लांट्स दे देते हैं, और कभी कभी 5-10 रुपए ऊपर नीचे भी बढ़ाकर भी वो लगाते हैं। तो ये वाला प्लांट मुझे 60 रुपीज का पड़ा है, और काफी हेल्दी प्लांट है। इसमें देख सकते हैं आप, फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट परचेज। इसके बाद जो मैंने क्रॉटन लिया है वो आप ये देख सकते हैं, ये देसी वेराइटी वाला क्रॉटन है, और आप देखिए कितना ही अच्छा बड़ा प्लांट है, और बहुत सारी इसमें ब्रांचेस निकल रखी है। तो आप देखिए कितनी सारी इसमें ब्रांचेस, और ये प्लांट उन्होंने मात्र मुझे 40 रुपीज में दिया था। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी डील ऐसी हो जाती है, कभी कोई चीज हमको बहुत सस्ते में मिल जाती है, और कभी उसी चीज के हमको 10-20 रुपए ज्यादा भी देने पड़ते हैं। तो ये प्लांट मुझे 40 रुपीज का पड़ा था। इसके बाद मैंने ये एक ड्रेसिना का प्लांट लिया है, और ये प्लांट उन्होंने मुझे 50 रुपीज, नहीं शायद ये भी मुझे ऐसे कुछ 40-50 के बीच में, मुझे इसका ठीक से रेट नहीं ध्यान आ रहा है, 40 या 50 के बीच का ही ये प्लांट है। तो ये भी, ये वाली वैरायटी मेरे पास ड्रेसिना की थी नहीं, तो ये मुझे लेनी ही थी। तो ये एक प्लांट मुझे पड़ा है, इसका प्राइस मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 40 और 50 के बीच का ही इसका प्राइस है। इसके बाद मुझे एक और प्लांट मैंने लिया है, इंडोर प्लांट है, ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छा है, काफी इसमें लीव्स में इसका वेरिकेशन बहुत सुंदर दिख रहा है, और काफी ब्रांचेस इसमें भी निकली हुई है ऊपर की तरफ, और नीचे से भी पब्स निकल रहे थे। तो ये प्लांट उन्होंने मुझे 60 रुपीज का लगाया था, काफी अच्छा और हेल्दी प्लांट है ये। और के बाद, जैसे कि मैं अक्सर ही रेगुलर प्लांटर्स खरीदती ही रहती हूँ, प्लांटर्स मेरे गार्डन में बहुत ज्यादा लगते हैं, और मैं वैसे भी खरीद के रखती हूँ, कई बार मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझसे मांगते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। तो प्लांटर्स मैं हमेशा हमारे गार्डन के लिए मैं खरीदती ही रहती हूँ। तो ये वाले तो मेरे रेगुलर वाले हैं, 10-10 रुपए वाले, जो मैं ये मैंने 5 ले लिए थे, ये तो मैं चलते फिरते जब भी मार्केट जाती हूँ तो 5-10 ले ही, 5-5 उठा ही लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे गार्डन में सबसे ज्यादा लगते हैं ये सैपलिंग्स लगाने के लिए। और विंटर्स में भी है, हमको छोटे छोटे प्लांट्स लगाने के लिए, सीजनल प्लांट्स के लिए बहुत सही साइज रहता है। तो ये 10-10 रुपए के मिले हैं, और ये मैंने 5 ये ले लिए हैं। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्लांटर खरीदे हैं वो देख सकते हैं आप, ये है, इस साइज के मैंने लिए हैं, ग्रीन होम इस पे लेबल लगा हुआ है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत खराब भी नहीं है, और बहुत ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के भी नहीं है, और साइज इसका बहुत अच्छा है। और ये प्लांटर मुझे 60 रुपीज के पड़े। तो ये प्लांटर मैंने 2 थे उनके पास, मैंने 2 ले लिए, मुझे ये इंडोर प्लांट्स के लिए चाहिए था, पाम ट्री के लिए बड़ा प्लांटर चाहिए था, तो ये मैंने 2 प्लांटर लिए हैं 60-60 रुपए के, और इसका प्राइस मुझे बेहद सही लगा, बहुत ही सही प्राइस पे ये मुझे मिल गए। क्योंकि अगर हम मार्केट में लेने जाते तो यही प्लांटर, इतने साइज का प्लांटर हमें इतने कम रेंज में, हमारे यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, इतने कम रेंज में ये नहीं मिलता है, और काफी अच्छा मेरे को ये, इसकी क्वालिटी भी सही लगी। तो ये 60 रुपीज के मुझे 2 पड़े हैं, और ये मेरे रेगुलर प्लांटर्स जो मैं हमेशा लेती ही रहती हूँ मेरे गार्डन में,
ये उनके पास 3 ही पीस पड़े थे तो उन्होंने मुझे दे दिए कि आप तो रख लो, जबकि ये मुझे लेने नहीं थे। पर अब ये रहता है कि गार्डन में तो हमारे प्लांटर्स जो हैं वो लगते ही रहते हैं, तो काम में आ ही जाएंगे मुझे। तो ये वाले प्लांटर्स मैंने 3 लिए हैं। ये मुझे उन्होंने पहले, ये लॉकडाउन के पहले, ये वाले प्लांटर्स वो मुझे 35-35 रुपीज के देते थे, अब उन्होंने मुझे ये शायद 38 के कर दिए और कह रहे थे आगे ये 40 के मिल पाएंगे। तो ये फिर भी मुझे 38 के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे हैवी क्वालिटी के प्लांटर्स हैं, तो ये मुझे 38 के हिसाब से भी बहुत सही लगे हैं। और इन सब में आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे ड्रेनेज भी कर लिए हैं। तो ये थे। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट शॉपिंग है वो मैंने विंटर के लिए ये सारे प्लांट्स मैंने ले रखे हैं प्लांटर्स, और ये मुझे ये 20 प्लांटर्स हैं। हालांकि मुझे सिर्फ 15 ही लेने थे, पर अब उन्होंने कहा कि ले ही जाओ आप, बार बार फिर मिलते नहीं हैं इस रेट में। तो ये मुझे 25 रुपये का एक प्लांटर पड़ा है, और ये काफ़ी सही साइज मुझे लगा है। और विंटर के प्लांट्स लगाने के लिए जैसे शेवंती वगैरह है, या और भी हमको पिटूनिया वगैरह जो विंटर के जो प्लांट्स होते हैं वैसे भी, और ये इंडोर भी छोटे प्लांट्स के लिए ये साइज जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट है। ये प्लांट भी अगर मैं अभी इसमें लगाती हूँ तो अभी के लिए ये प्लांटर का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये मैंने 20 प्लांटर्स ये वाले लिए हैं, 25-25 रुपये के ये मुझे पड़े हैं, और काफ़ी सही मुझे लगे हैं। ये 3-4 कलर्स में है, पर मुझे कलर्स से मतलब नहीं है। मैं तो वैसे भी मेरे सारे ही प्लांटर्स जो है वो वाइट कलर के ही पेंट करती हूँ, तो अब बस थोड़ी बारिशें ख़त्म होने के बाद मैं अपने सारे ही प्लांटर्स पेंट करूँगी। तो ये 20 प्लांटर्स थे। तो बस छोटी सी मेरी आज की शॉपिंग थी, छोटी तो नहीं, हालांकि प्लांटर्स मिला के अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, लेकिन एक बार मैं नहीं करती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें ले लेके जब जैसा जहाँ जो चीज़ मिलती है उस हिसाब से मैं बाय कर लेती हूँ, तो काफ़ी सही, हमारे ऊपर एकदम से इस चीज़ का बर्डन नहीं आता है। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।